बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोग हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने यकुम रमजान से 30 रमजान तक जो लोग यहाँ सहरी करने आए उन्होंने अपनी रोजगार प्रोजेक्ट में जो जीएफएस बिल्डर की जानिब से मोटरसाइकिल की रोजगार स्कीम थी उसके अंदर 30 नई मोटरसाइकिलें निकलनी है उसके अंदर अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपियां डाली और एडी रियल एस्टेट के सरबला अदील मलिक साहब की जानिब से 5 लोडिंग रक्शे निकल रहे हैं जिसके अंदर आप 80-90 हजार रुपए कमा सकते हैं महीना। और आज इसकी पुरानंदाजी होने जा रही है, गवर्नर साहब का वेट कर रहे हैं, अभी गवर्नर साहब जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह ये पुरानंदाजी होगी और ये इसी मकाम पे होने की जहां सहरी होती है। लेकिन चूंकि रश बहुत ज्यादा है कोई मुमकिन नहीं हो पाता, अभी लोग बोलते हैं हमें शफाफियत और तमाम चीज़ें, इसलिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये सारी चीज़ें आप अभी देखेंगे और सुकून के साथ देखिए इंशाल्लाह और आगे के मरहल आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारे यहाँ जितने लोग भी सैरी करने आते हैं मैं उनको बता दूं आज ये पुरानंदाजी 27 रमजान को आपके दरमियान होनी थी लेकिन चूंकि रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश है तो मुमकिन नहीं है और गवर्नर साहब की मसरूफियात बहुत ज्यादा थी तो ये गवर्नर हाउस आ गई हैं सारी पर्चियां। ये जीएफएस बिल्डर की जानिब से जो 30 नई मोटरसाइकिलें जिनकी मालियत 1-1 लाख रुपए से ज्यादा है, ये रोजगार स्कीम में बेरोजगार लोगों को बोला गया था अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी नंबर के साथ डाल दें। और ये एडी रियल एस्टेट के जो अदील मलिक साहब हैं उनकी जानिब से 5 लोडिंग जो चिंचियां होती हैं जो इसकी मालियत शायद अब तो 5-5 लाख या कितनी हो गई है वो 5 कुछ नसीब होंगे, बेरोजगार उनको मिल जाएगा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा सर आपका, आपने मुसीबत मुझे टाइम भी दिया और आज यहां पर अभी थोड़ी देर बाद ही दरसे कुरान शुरू होने वाला है और अल्लामा हबीब अत्तारी साहब बयान फरमाएंगे, उससे पहले खुदा ने हमें टाइम दिया सर ने, सर इसमें 30 खुश नसीबों के नाम। जी बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अलियान कराची को 27वीं शब की मुबारकबाद देता हूँ और आप सब से यही कहूँगा कि इस पाकिस्तान के लिए, इस सूबे के लिए खुसूसी आज की रात आपने दुआ करनी है और अल्लाह ताला आप सब के भी जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल होंगे। और ये जो सिलसिला हमारे भाई जफर अब्बास ने शुरू किया है जीडीसी के थ्रू के, ये लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के दरमियान खुशियाँ बाँट रहे हैं और लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ चाहे वो मोटरसाइकिल की सूरत में हो या किसी ज़रूरतमंद के घर की सूरत में हो या उनको खाने की सूरत में हो, शहरी की सूरत में हो, तो मैं इनको पूरा रमज़ान इन्होंने बहुत दिल से मेहनत भी की है और कोशिश की है कि सभी को कुछ ना कुछ दें और कुछ करें। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, अल्लाह ताला आपको अच्छी खबर भी देता हूँ सर। आज जब आपने वो फायर फाइटर्स की फैमिलीज को 50-50 हजार रुपए महीना और उनको प्लॉट दिए और 1-1 लाख रुपए ईदी दी तो जब वो चीज़ हमारे पेज पे डली तो हमारे पास अभी अभी फिर फोन आया, मलिक रियाज साहब की बेटी जो लंदन में होती हैं उन्होंने कहा मैं भी इन चारों फैमिलीज को हर महीने 50-50 हजार रुपए सपोर्ट करूँगी। देखें एक इनिशिएटिव जो आपकी जानिब से लिया गया उसमें लोग शामिल होते जा रहे हैं और हमारे हीरोज को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका नाम और बाप का नाम बता देना। अच्छा जी, पोरो सरून। हाँ, पोरो वल सरून। पोरो वल सरून सरून बुजुर्ग है कोई और नोट करते रहो। राहत वल अब्दुल रऊफ। राहत वल अब्दुल रऊफ आप देखते रहे जो जो निकलते जा रहे हैं। रुकैया खातून वल्द मोहम्मद लुकमान। रुकैया खातून वल्द मोहम्मद लुकमान। अच्छा इसमें वल्द और शोहर में ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत लाइट है। मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद लुकमान। रुकैया खातून कितने हो गए गिनते रहो। अच्छा जी, नदीम अख्तर। अल्लाह डिनो। नदीम अख्तर वल अल्लाह डिनो। मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद रफीक। इसमें से कितनी करनी? 30। 15 के बाद फिर नीचे से उसको पढ़ लेंगे। मोहम्मद खालिद। जी बहुत ही ज्यादा नाम ऐसा है लेकिन फोन नंबर पर लिखा। मोहम्मद खालिद वल शायद सोहेल अहमद है, फोन नंबर लिखा हुआ ऊपर। रफी अहमद। शब्बीर अहमद। नदीम अख्तर। अल्लाह डिनो। एक सेकंड रुकें, ये कहीं पहले तो नहीं आ चुके? पहले आ चुकी है। दो डाल दिए? जी दो हो चुकी है। ये इनका हम इनका नदीम अख्तर वाला नहीं, पहले भी निकल चुका है, इन्होंने लग रहा है ज्यादा कॉपियां डाल दी तो इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ये कैंसिल हो गया लेकिन उसका आप देखें
नसीब जोरों पर है, इसको मुझसे मिलवाइएगा। जिस शख्स का इतने सारे में दो निकल आए तो इस नदीम अख्तर अल्लाह जिन्हों को आपने इफ्तार पे लेकर आना है मेरे पास। नदीम भाई आ जाए, नदीम भाई अगर और भी निकल आए ना फिर मैं आपको पुलिस से भी मिलवाऊंगा। उसमें दो निकल आए, तीसरा भी निकल आए, फिर तो मैं सच्चा भी दे जाऊंगा। बिलाल अहमद बे, मिर्जा शफीक बे, मोहम्मद आरिफ, अब्दुल रहमान, या चलो रहने तभी तो गुजारा हो रहा है। ले आए उसको, ये तो ब्लैक ब्लैक बहुत ही बस। मैं देखने वालों को बता दूं, गवर्नर साहब को भी डेढ़ दिन पहले ड्रिप लगी हुई थी लेकिन उसके बावजूद शहर कराची के मसाइल के लिए बाहर निकले हुए थे। गवर्नर साहब एक और बात, नसीमा आगे, मोहम्मद याकूब, नसीमा मोहम्मद याकूब। गवर्नर साहब ये तो जू बंद करने की बातें हो रही है, एक ही तो घूमने की जगह बची थी, गरीबों की नहीं होगा, नहीं होगा ना, लोग बड़े परेशान है। चले एक और अच्छी खबर देखें, गवर्नर साहब बोल रहे जू बंद नहीं होगा, लोगों की ख्वाहिश है लेकिन बंद नहीं होगा। कराची के पास एक जूही तो रह गया है, तो वो भी बंद करते हैं। अच्छा शाहजहां कराची आई थी, नूरजहां आई थी, अब बेचारी उसकी सही केयर नहीं हुई तो जूही बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मंसूर खान, मोहम्मद यासीन खान, कितना हुआ हाँ, ये जितने लोगों का निकल रहा है सबके फोन नंबर लिखे, आप सबको कॉल आएगी। हैदर अली अली मोहम्मद, हैदर वल अली मोहम्मद, बिलाल अहमद बेग, इनको भी लाओ अफ्तारी, इनको भी अफ्तारी बिलाना, बिले आ जाना कैंसिल, इसके दो निकल रहे हैं, बिलाल अहमद बिलाल अहमद बिलाल भाई आपका एक फट रहा है भाई, नहीं करो ऐसे, एक एक डालने को बोला। इस पे इनका ख्वाहिश भी नजर आती है कि इनकी अपनी भी ख्वाहिश कितनी की चीजों को मिलनी चाहिए, तलब भी नजर आती है। दो लोग तो अफ्तार के हो गए, नहीं चलो तीसरी कॉपी निकली तो थाने जाओ, डाले हो लेकिन हाथ में फिर आ रहा है, ये बड़ी बड़ी बात है। मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद काशिफ, ये देख ले मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद काशिफ ने दो एक साथ ही मिला के डाल दिए थे तो गवर्नर साहब ने वापस। जावेद अली खास के लिए, मौला बख्श खास के लिए, ये भी पहले आ चुकी है, नसीमा वल, ये आ चुकी है नसीमा वल, मोहम्मद याकूब, जी जी जी, क्या बात, तीन लोगों का अफ्तार, बहुत सारे तो अफ्तार के हो गए, सही, यानी ये लोगों ने एक साथ बहुत शास करा के डाल, आज तो पूरा पेज निकल गया, हाँ, ये 15वीं है, जी, सैयद मोहम्मद एजाज अब्बास, सैयद इंतजार अली, अच्छा ये 15 हो गए सर, हम इसको थोड़ा शॉपिंग करना है, बताओ आराम से, बट डब्बा ही ना टूटे, हाथ डालो ना, हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो, एक गिर गया, जो जोर लगा रहे हैं आज पे वो भी जरूर। मोहम्मद काजिम वल्द हसन, मोहम्मद काजिम वल्द हसन, खालिद वल्द मोहम्मद तुफैल, गुलनार बेगम
शोहर का नाम मोहम्मद शफी। मोहम्मद अख्तर अब्दुल रशीद। करीम उल्ला मेमन। मोहम्मद नवाज मेमन। नूर मोहम्मद सुमरो बिन अब्दुल गफूर। जी मोहम्मद अबरार। तलहा अबरार। मोहम्मद तलहा अबरार। आगा सज्जाद। वकास रजा मोहम्मद इस्लाम रजा। कुलसुम माई मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। मोहम्मद हुसैन सोमरो। पूरी दरख्वास्त मौजूद है इसके अंदर। ये एक किसी ने डाला था और उसने कहा कि मैं बहुत ही मुफलिस शख्स हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं। जफर अब्बास भाई के नाम उसने ये। मेरे चार बच्चे हैं जो कि जेरे तालीम है। महंगाई के इस दौर में घर का गुजर औकात ही नहीं होता। बराए मेहरबानी फरमाकर एक रक्षा इनायत कर दें। मेरे ख्याल में इनका नाम नहीं बताते, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर बता दें। अच्छा, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 42401-8615-9225। तो आपको मुबारक। आपसे फोन पर रब्ता कर लेंगे, आपकी दरखास्त पढ़ दी, इसलिए आपका नाम नहीं बताया। आपकी मोटरसाइकिल निकली है नई जो GFS बिल्डर की जानिब से। चार लोग हुए रफ्तारी में। अलमास मोहम्मद फयाज। मोहम्मद अल्ताफ। मोहम्मद उस्मान। अरे देखे किसी ने ये FIR भी बाइक की होगी, क्योंकि बड़े लोगों की बाइक बेचारे कराची से चोरी हो रही है, तो ये FIR लाजमी बाइक गाड़ी की बाइक की होगी। ये किसी ने अपनी चोरी हुई हुई मोटरसाइकिल की FIR भी दी और जफर भाई से उन्होंने कहा है, तो फिर उनको भी मोटर बाइक मुबारक हो। आगा फर्रुख। आगा लियाकत हुसैन। आखिरी मोटरसाइकिल की आखिरी है, उसके बाद पांच नाम निकलेंगे जो एडी रेल स्टेडियम से चिंची लोडिंग जो गाड़ी होती है उसके। चले जी, एक और बहन हमारी जिसने कहा है कि मेरे शौहर की तनख्वाह 20,000 है और मेरा किराए का घर है जिसमें मेरा गुजारा नहीं होता। मेरे शौहर बाइकिया का काम करना चाहते हैं जिसके लिए बाइक की जरूरत है। जफर भाई मदद कीजिएगा। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 42101-3039039-0। चले आपके शौहर बाइक का काम शुरू कर दें और नई मोटरसाइकिल पे करेंगे। लाख रुपए से ऊपर की बाइक तो होगा पूरे। चले डॉक्टर साहब, ये देखें ये जिन खुश नसीबों की मोटरसाइकिल निकली है ये बाइकिया में कहीं भी राइडर लग जाए, किसी कोरियर कंपनी में लग जाए, 50-60,000 रुपए कमा लेंगे आराम से।
ये जो जिनका लोडिंग रक्षा निकलेगा वो 80,000 से 90,000 रुपए आराम से कमा सकेंगे, ये डी रियल स्टेट की जाने से, ये इरफान साहब जीएफएस की जाने से, पांच खुश नसीबों में नाम है। मोहम्मद शेख शफीक, मोहम्मद शफीक, हमीदा फतेह, मोहम्मद इदरीस। अच्छा जी, फिर इन्होंने अस्सलामुअलैकुम जफर भाई के नाम है कि हमारे इनके दो बेटे हैं जो माजूर हैं, चल नहीं सकते, मोहम्मद हसन और मोहम्मद हुसैन, उनके लिए इन्हें ये चाहिए था रक्षा, तो लेकिन इनका अब ये निकल आया तो इसको फिर आप देखिएगा। इनका आईडी कार्ड नंबर 4221-6524-8762। सोनिया और उमर खान, अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि जफर भाई तकरीबन 8 महीने से बेरोजगार हैं ये, और जल्द अज जल्द रोजगार के ख्वाहिशमंद थे, और बीवी बच्चों का बड़ा इनको फिक्र है, और इनको इन्होंने अल्लाह को दुआ की कि जफर भाई को जरिया बनाया जाए और इनकी ज़िंदगी में इनका कोई साथ दे, तो आज अल्लाह ताला ने एहसन रशीद खान इनका नाम है, और आईडी कार्ड नंबर इनका 4210109-8612-9। चले मुबारक हो सर, दिखा भी देंगे, कितनी उम्मीद से इन्होंने जो है ना लिखा है, तहरीर लिखी बस। सर आपका शुक्रिया, मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, आप तमाम लोग जो शहरी में आए हुए इस वक्त, ये रिकॉर्डिंग वहां शहरी में चलेगी, वो भी देखें किस तरीके से लोग, और अगर मुखियर हजरात देख रहे हैं तो सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि शिनाख्ती कार्ड का इतना वजन है कि मैं अकेले नहीं उठा सकता, हमारे लोगों की ये हालत हो चुकी है, तो बहुत मुश्किल हालात में है। ये सिर्फ एक दस्तरखान की कलेक्शन दिखा रहा हूँ, ऐसे 35 दस्तरखान जेडीसी के जहाँ पर लोगों ने अपनी दरखास्तें जमा कराई हैं, और डेली सर में इतना बड़ा थैला एप्लीकेशनों का लेकर घर जाते हैं। चलें जी, जिस जिसकी मोटरसाइकिलें और ये सब निकला है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिन खुश नसीब लोगों के नाम निकले हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियां लेकर जेडीसी ऑफिस आ जाएं 27 रमजान को दिन में 3 बजे 4 बजे, और अपनी अमानत जो है वो हमसे रिसीव कर लें। जो मोटरसाइकिलें इरफान भाई साहब जीएफएस बिल्डर के सरबरा उन्होंने दी हैं, और जो रक्षे हैं लोडिंग रक्षे जो हैं चिंची, वो एडी रियल इस्टेट के सरबरा अदिल मलिक साहब ने दी। एक दफा फिर आप सबको मुबारक हो, और आपके लिए शहरी का इंतजाम। और आज की एक और बात, आज की शहरी जो है वो हमारे अमेरिका में मुकीम डोनर हैं खुर्रम असगर साहब, जो हर साल आज के दिन कराते हैं उनकी जानिब से।